हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सबके बीच मैं BSNL के काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्लान लेकर के आया हूं, जिस प्लान में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, कम कीमत में आपको काफ़ी सारे वैलिडिटी भी मिलते हैं और एक एक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो अगर आप एक BSNL सिम यूजर हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं और एक एक प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा आपको और अनलिमिटेड डाटा की सुविधा मिलेंगे। तो कौन कौन से प्लान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्लान हम बात करते हैं यहाँ पे 199 रुपये वाले प्लान के बारे में, यानी कि 199 रुपीज़ का प्लान है जो कि BSNL में। तो 199 का प्लान अगर आप BSNL में कराते हैं, यानी कि 199 का प्लान कराते हैं, तो इसमें आपको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा और यहाँ पे आपको 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा। अगर वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर जो कि 30 दिन की वैलिडिटी की सुविधा आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको 199 रुपये वाले प्लान में, ध्यान दीजिएगा, 30 दिन तक आपको 199 रुपये वाले प्लान में 2 GB पर डे डाटा मिलता रहेगा। वहीं दूसरे प्लान की बात करें तो BSNL एक प्लान आपको प्रोवाइड करता है 249 रुपये का, 249 यानी कि 249 रुपीज़। इस प्लान को अगर आप अपने BSNL नंबर पर कराते हैं तो इसमें आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा, जो आप लोकल स्टडी रूमिंग कहीं भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं डाटा की, दो आपको यहाँ पे 2 GB पर डे डाटा मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे मैसेज की बात करें तो 100 SMS प्रतिदिन मिल जाएंगे। यहाँ पे वैलिडिटी की बात करें तो आपको 45 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको 249 रुपये वाला प्लान देखने को मिल जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 249 रुपये वाला प्लान काफ़ी जो कि स्टेट में अवेलेबल नहीं है। आपको रिचार्ज करने से पहले आपको जो कि पता करना होगा कि 249 रुपये वाला प्लान आपके स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है। वहीं BSNL एक प्लान प्रोवाइड करता है 399 रुपये का, यानी कि 399 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप अपने जो कि BSNL नंबर पे कराते हैं 399 रुपये वाला प्लान, तो इसमें आपको मिल जाएगा 1 GB पर डे डाटा, यानी कि रोज़ाना आपको 1 GB पर डे डाटा मिलेगा, 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे। वैलिडिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर जो कि 70 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पर 399 का प्लान देखने को मिल जाता है, यानी कि मात्र 399 रुपये में 70 दिन की वैलिडिटी आपको मिलता है। वहीं अगर आप अदर जो कि कंपनी से अगर 399 का प्लान से कंपेयर करते हैं, तो वहाँ आपको जो कि 56 दिन की वैलिडिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 399 में आपको BSNL 70 दिन की वैलिडिटी देता है। वहीं BSNL में एक मोस्ट पॉपुलर प्लान है 485 रुपये का। 485 रुपये वाला प्लान अगर आप अपने BSNL नंबर पे कराते हैं, तो इसमें आपको 1.5 GB पर डे डाटा, यानी कि 1.5 GB पर रोज़ाना आपको डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा और आपको यहाँ पर जो कि 100 SMS प्रतिदिन मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं जो कि वैलिडिटी की, तो आपको यहाँ पे 82 दिन यानी कि 82 डेज की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे 485 रुपीज़ का प्लान देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है, कम जो कि कीमत में आपको अच्छा खासा वैलिडिटी आपको जो कि BSNL प्रोवाइड करता है। वहीं एक प्लान BSNL में आपको देखने को मिल जाता है 499 रुपये का। 499 रुपये वाला प्लान की बात करें तो 499 रुपये वाले प्लान में आपको 2 GB पर डे डाटा मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर अगर कॉलिंग की बात करें तो अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा आपको 499 रुपये वाले प्लान में मिल जाएंगे, 100 SMS प्रतिदिन मिल जाएंगे। वैलिडिटी की बात करें तो 75 दिन की वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक प्लान जो कि मोस्ट पॉपुलर प्लान है, जो कि बहुत ही पॉपुलर प्लान माना जाता है BSNL में, जो कि प्लान है 599 रुपये का। 599 रुपये वाला प्लान काफ़ी जो कि पहले पॉपुलर था, क्योंकि 599 रुपये वाले प्लान में पहले आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 5 GB रोज़ाना आपको डाटा मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे इसको घटा दिया गया है। अब अगर आप 599 रुपये का प्लान कराते हैं अपने BSNL नंबर पे, तो आपको यहाँ पे 3 GB पर डे डाटा मिलेगा और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा, 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे और 84 डेज यानी कि 84 दिन की वैलिडिटी आपको जो कि 599 रुपये वाले प्लान में BSNL में देखने को मिलेगा। वहीं BSNL में एक प्लान प्रोवाइड करता है जो कि BSNL 666 रुपये, यानी कि 666 रुपीज़। इस प्लान को अगर आप अपने जो कि BSNL नंबर पे कराते हैं, तो इसमें आपको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगा और यहाँ पे अगर बात करते हैं जो कि वैलिडिटी की, तो आपको यहाँ पर 105 दिन की वैलिडिटी आपको 666 रुपये वाले प्लान में मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे एक प्लान BSNL प्रोवाइड करता है 699 रुपये का, यानी कि 699 रुपीज़ का। इस प्लान को अगर आप अपने BSNL नंबर पे कराते हैं, तो इसमें आपको 0.5 GB पर डे डाटा, यानी कि रोज़ाना आपको 0.5 GB डाटा मिलेगा और यहाँ पर 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे। वैलिडिटी की बात करें तो 130 दिन की वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, जो कि 699 रुपये वाले प्लान में। तो यहाँ पर काफ़ी
सारे प्लान जो कि मैंने आपको बताया, जो प्लान BSNL में जो कि आपको देखने को मिलते हैं अच्छे खासे वैलिडिटी के साथ, अगर आप जो कि दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं इन सारे प्लान को, तो आपको ऐसा बेनिफिट कोई भी कंपनी आपको इतने कीमत में नहीं देने वाला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 299 रुपये वाला प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, यह एक FRC प्लान है, यानी कि यह आप फर्स्ट रिचार्ज ही आप करा सकते हैं, यानी कि अगर आपने नया सिम कार्ड लिया है तो आप 249 रुपये का प्लान कराएंगे तो आपको यहाँ पर 249 में 45 दिन की वैलिडिटी मिलेगा। यह रेगुलर प्लान नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हम रोज हमेशा जो कि 249 का प्लान कराएं तो आप नहीं करा सकते, क्योंकि यह एक FRC प्लान होता है। FRC का मतलब ये होता है फर्स्ट रिचार्ज प्लान। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको BSNL के जो कि काफ़ी सारे प्लान बताए, जैसे कि यहाँ पे 199 रुपये वाला प्लान, 249 रुपये वाला प्लान, 399 रुपये वाला प्लान, 485 रुपये वाला प्लान, 499 रुपये वाला प्लान, 599 रुपये वाला प्लान, 666 रुपये वाला प्लान और 699 रुपये वाला प्लान। इन सारे प्लान में से आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको BSNL 4G भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप जो कि कम कीमत में BSNL 4G का भी आनंद ले सकेंगे। तो अगर आप BSNL का सिम यूज करते हैं तो कितने समय से BSNL का सिम यूज करते हैं आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। BSNL से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।